योगदान सारे गमा का कोई भी गाना आता है तो वो ट्रेंडिंग में जाना तय होता है, क्योंकि उस चैनल की रीच बहुत बड़ी है और उसकी वीडियो क्वालिटी से लेकर हर चीज। तो जब आप बेहतर करते हैं तो उस पे दुनिया का कहीं ना कहीं झुकाव होता है। और सारे भी यार ट्रेंडिंग स्टार है तो ट्रेंड में तो आना। नहीं नहीं, ट्रेंडिंग स्टार नहीं हूँ मैं तो बस एक बच्चा हूँ और गाने की कोशिश करता हूँ। ना मैं सुपर स्टार हूँ ना भाई मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ। कोशिश करता हूँ अपनी भाषा को बेहतर से बेहतर और हर उस श्रेणी में शामिल करने की जहाँ पे अदर भाषा के भी गाने ट्रेंडिंग में जाते हैं। समझ पूछिए तो ट्रेंडिंग का पहला गाना मेरा ही खुला था। भोजपुरी में पहली बार ट्रेंडिंग हम देखे तो मेरे ही गाने से देखे, 2017 में माथे पे दौरा, उस गाने से पहली बार ट्रेंडिंग खुला था। तब भोजपुरी को समझ में आया कि ट्रेंडिंग भी कुछ होता है, बहुत कुछ आ रहा है। अब एक्चुअली सिनेमा भी हम सारे गमा के माध्यम से बहुत सिनेमा कर रहे हैं, उसके बाद गाने भी कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के साथ भी गाना कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने टीजर और ट्रेलर मेरा देखा संघर्ष का, संघर्ष 2 का। भैया बहुत इंतजार है जी। बार बार जमशेदपुर में ही शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा क्या है जमशेदपुर में? जमशेदपुर का माहौल बहुत ठंडा है। क्या आपको यहाँ क्या किन किन क्या क्या चीज आपको लुभाती है जो आप लोग बार बार यहाँ शूटिंग कर रहे हैं? बद्री जी भी यहीं पे शूटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमें बद्री जी से दूर रह नहीं पाता, इसीलिए यहाँ आना पड़ता है मुझे। और यहाँ आने के बाद सबसे मिल भी लेता हूँ और ऐसे भाइयों का प्यार भी मिल जाता है, आशीर्वाद भी मिल जाता है। और ये हमारे क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं हमारी भाषा के लोग यहाँ रहते हैं तो अपने भाषा के लोग के साथ काम करने में रहने में मजा आता है। और कहीं ना कहीं यहाँ रोजगार भी मिल रहा है इनके माध्यम से। आज इतने सारे लाइट से लेकर जो भी चीजें हो रही है, कम से कम बद्री झा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जमशेदपुर में खोला है कि कम से कम यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं वो, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। अच्छा बद्री जी आपसे एक सवाल कि ये सारे गामा हम भोजपुरी खेसारी नाइट्स का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए उद्देश्य यही है कि हम अपने चीजों को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जाकर अपने भाषा के चीजों को प्रमोट करें, अपने गाना प्रमोट करें, अपनी विचारधारा रखें, अपनी बातों को रखें, ताकि लोग जाने कि नहीं भाई सिर्फ हिंदी में ही नाइट्स कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होता है, भोजपुरी के लोग भी इतना बड़ा बड़ा इवेंट कर सकते हैं। अच्छा खेसारी जी, झारखंड में भी कई भाषाएं हैं, खोटा है, संथाली है, और बद्री जी भी संजोग बस झारखंड के हैं, तो सारे गामा हम भोजपुरी कब संथाली और खोटा भाषा में आपको गवाएगी? नहीं नहीं, कोशिश है कि मैं, देखिए मुझे जितने प्यार करने वाले लोग हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर भाषा का सिंगर बनूं, हर भाषा के लोग मुझे प्यार करें। और लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, मुझे बहुत प्यार मिलता है, तभी मेरे गाने इतने सारे बड़े 400 मिलियन 500 मिलियन ट्रेंडिंग में, अभी 4 गाने मेरे हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश हमारी रहती है और ट्रेंडिंग में है तो सिर्फ बिहार के लोगों के प्यार करने से नहीं है। मुझे लगता है कि ये भाषा जहाँ जहाँ बोली जाती है हर आदमी मुझे चाहता है, प्यार करता है, इसीलिए हमारे हर महीने 4 गाने 5 गाने 6 गाने 7 गाने मेरे ट्रेंडिंग में होते हैं और लोगों का प्यार भी मिलता है। तो कोशिश है इसको और करें, सिर्फ खेसारी 7 गाने से नहीं, 30 होता है ट्रेंडिंग के, टॉप 30 सॉन्ग होते हैं ट्रेंडिंग में। एक दिन समय आएगा कि 300 का 300 संग भोजपुरी का होगा। तो खेसारी जी यहाँ की भाषा में खेसारी जी का गाना कब दर्शकों को सुनने के लिए मिलेगा? अब ये तो बद्री जी से पूछिएगा कब गवाएंगे वो। अरे रे मुनिया तोरा ढाबा के मुरब्बा में मीठा सेवा। थैंक यू सो मच। और जितने भी प्रेस के लोग आए हैं, मीडिया पत्रकार जो भी हैं भाई, मगाई सॉन्ग कब आ रहा है? मगाई सॉन्ग भैया, मगाई सॉन्ग आएगा, एक इसका था, सब आएगा, आप लोग चिंता मत करिए। और आपसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो